अपने लगा लिया भाई सूजी का काम। देख लो झंझना, हाँ तो इसको खोलना है इसको नस। अब बेटा देख लो मालिश किस तरह कर रहे हैं, इसी तरह मालिश करना है, ठीक है ना, मेहनत करे हो दोबारा बने रहना 24 घंटे, ठीक है। हाँ मेहनत तो दिन रात करते हैं ना, नहीं अब हम जैसे कहें वैसे मेहनत कर दो, ये कोई 4 दिन में खड़ा हो जाए, वहाँ जाना ये है, ये नशा है। हाँ यार यही नशा पकड़ पाए यार सब पास कलाकार लड़का है, अगर आना चाहे तो 15 तारीख को भी लिया जाए, 18 को फिर यहाँ अमिलिया में हम मिलेंगे, लड़का मिलेगा फकीर बाबा की गद्दी, ये नशा इसको मालूम है अमिलिया बाबा जाना, वहाँ भी कोई पैसा नहीं लगता, गुरु जी इसकी जो गांठ है गांठ बंदी। अच्छा बताओ यहाँ करें हिंच मिंच के दवाई ले लेंगे, हो गया काम खत्म, ये जो नस है हाँ ये इसकी हाँ। जो मुलाकात होती है अंदर एक नस होती है हड्डियों के नीचे, हाँ वो गांठ बन गई, वो तो खुल जाकर तोड़ देंगे गांठ वाँट का, देख लो नहीं तो गांठ वाँट तो ऐसी दवाई देंगे टूट टाट जाएगी, लापरवाही भैया नहीं करना, मिलते रहे ना ये लड़का सही हो जाएगा, ये तो अभी जवान लड़का है सही कहना, सही हो जाएगा, बूढ़ बांगर थोड़ी है कि बढ़ेगा नहीं, बूढ़ हुआ तो मुँह चले, सही बूढ़ हुआ तो कह देते जाओ 2-4 दिन जिंदा रहेंगे, कहे और नवा लड़का है इसको तो अभी ज्वाइन करना है, कंपटीशन भी बनता है, ठीक है तुम हादिस में छोड़, डॉक्टर ने क्या बोले, ऑपरेशन सक्सेस नहीं है, मतलब बिल्कुल जवाब है उनके तरफ से, ऑपरेशन के लिए जो ये मूर्खता हो, डॉक्टर वो सज्जन थे, ऑपरेशन कराना मूर्खता हो, आज के समय नहीं ऑपरेशन नहीं करेंगे इससे कि नस पूरी मिल नहीं पाएगी, साले चोर है पैसा लेने के लिए कर देते, अरे तुम तो कछु नहीं करो, ऑपरेशन ये करता ही लेते जाना, जैसे हम बताते हैं दवाई पिलाओ, ये ऑपरेशन करता नहीं करो, ये बेफालतू ना चीज फड़ करवा लेना, अब हम बताएंगे कैसे ठीक होगा, इसको मुश्किल से अगर हमारी क्रिया कर तो 8 दिन में चलेगा, ये ध्यान करना, मन्नत खोल दे रहा हूँ, तो इस तेल ले लो इनके यहाँ लगाओ, इसका बरन तेल दे इनको, इनके लिए अलाउंस जो हुआ है हाँ कि सही है, अगर स्थिति 11 में इनकी कुंडली भी चेक की गई थी, 11 में ऑप्शन है कि 11 तो वही है कि आपका हाथ लग रहा है, इसका मतलब 11 तक खड़ा हो जाएगी, 23 तक। यहाँ के बारे में बहुत लोगों ने पंडितों ने भविष्यवाणी किया है, आज से मैं 5 साल पहले मऊरानीपुर गया था, 2017 की बात बता रहा हूँ, और मऊरानीपुर में एक विश्वकर्मा का घर था, और उस विश्वकर्मा के यहाँ फकीर को आया था माल वाल के चक्कर में, विश्वकर्मा पड़ा था, तो फकीर ने मना कर दिया था कि माल के चक्कर में अभी ना रहो, 2017 में फला तारीख में फला जगह से और ऐसे आश्रम से एक संत आएगा वो तुम्हारा पूरा क्लियर करके चला जाएगा, और मुझे क्या मालूम मैं वही दिन तो वहीं पहुंच गया, अब पहुंच करके जब उसका चेक किया अब कह दिया कुछ नहीं है, धन के चक्कर में ना पड़ो, तब फिर उसने कहा ये बात को एक फकीर ने 2017 में भविष्यवाणी उसने किया था कि इतने समय पे वो आएगा, 25 साल पहले की बात फकीर भविष्यवाणी किया था, मैं 2017 के लिए किया था और वही समय हम पहुंचे थे, ये तो किस्मत की बात है, और हम से भगवान की साधना करते हैं तो कुछ तो हो गया, और ये हम सिर्फ किया है भगवान से, जो ज्योतिष हम भी ज्योतिष को लगा आंकड़ा इंसान सही होना, और तुम मालिश करो, मालिश करो बस।
ढंग से कर रहा हूँ, दबा के ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे भी हूँ यहाँ से चालू ठीक है, यही ऑपरेशन नहीं चल रहा है, ये पानी ठंड हो गया, ठंडा निकाल होगा तो आगे दूर से ये व्यक्ति मना कर भाव इसके हो गए, अगर ये लोग अरे ये बहुत अगर गिरा दो कटे जाएगा, बड़ा है तो जो है मत छोटा हुआ है इसको जो है मत कभी लेट करो बदल करो तो जगह से काट खाना तेल और ना इनको तेल दे देंगे और इनको हो जाएगा धीरे थोड़ी इस पर मिली जाएगी एक ये और एक आप पनीर हाथ मत आइए।
है।